एक समय की बात है, अमेरिका में जॉन नामक एक आतंकवादी था जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। उसे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा था। अमेरिका सरकार और बहुत सारे देश उसके आतंक से परेशान थे। एक दिन अमेरिका के खुफिया एजेंसी को उसके ठिकाने का पता चल गया और वो पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद उसके सारे मास्टरमाइंड प्लान्स का पता चल गया और अन्य देश भी तबाह होने से बच गए। जॉन को कोर्ट के सामने पेश किया गया और जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद मीडिया और अखबारों में यह खबर वायरल हुई कि जॉन को फांसी की सजा दी जाएगी। तब ये बात कुछ वैज्ञानिकों को पता चली और उन्होंने देश की सरकार के सामने एक बात रखी कि इसे फांसी पर लटकाना ही है तो क्या मरने से पहले इसके ऊपर एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। और सरकार ने वैज्ञानिकों का साथ दिया और अब जॉन एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन चुका था। सभी वैज्ञानिक जॉन के सामने पहुंचे और उन्होंने उससे कहा कि फांसी से पहले तुम्हें एक कोबरा सांप से डसा जाएगा और तुम्हारी बॉडी पर कुछ प्रयोग किए जाएंगे। जैसे ही कोबरा वाली बात जॉन ने सुनी वो बहुत डर गया क्योंकि उसके काटने से आदमी एक क्षण भी जीवित नहीं रहता। अगले दिन जॉन को एक परीक्षण लैब में ले जाया गया जहां पर एक कोबरा और एक चूहा रखे हुए थे। कोबरा ने चूहे को डसा और चूहे के मुंह से झाग निकलने लगी और चूहा तड़प तड़प कर मर गया। ये सब जॉन की आंखों के सामने था। जॉन के हाथ पैर कांप रहे थे और वो बहुत डरा हुआ था। वैज्ञानिकों ने कहा कि कल सुबह यही परीक्षण वो तुम्हारे साथ करेंगे। जॉन रात भर नहीं सो पाया। उसकी आंखों में उस चूहे की दर्दनाक मौत घूम रही थी। अगली सुबह वैज्ञानिक जॉन को उस लैब में लेकर गए और उसने अपनी आंखों के सामने कोबरा को पाया। अब वैज्ञानिकों ने जॉन की आंखों पर काली पट्टी बांध दी और उसके हाथ पैर भी बांधे हुए थे। वैज्ञानिकों ने उसके पैरों पर सेफ्टी पिन चुभोए और जॉन को लगा कि उसे कोबरा ने डसा है। उसके मुंह से भी चूहे की तरह झाग निकला और जॉन भी तड़प तड़प कर मर गया। जब जॉन की बॉडी को मेडिकल टेस्ट यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला कि उसकी बॉडी में कोबरा का जहर था जबकि उसे कोबरा ने डसा ही नहीं था, उससे सिर्फ सेफ्टी पिन चुभोए गए थे। आखिर ये जहर उसकी बॉडी में कैसे आया और उसकी दर्दनाक मौत कैसे हुई? जब वैज्ञानिकों ने जॉन के सामने चूहे वाला प्रैक्टिकल किया और उससे कहा कि अगली सुबह उसके साथ भी यही होना है, तब से ही मन जॉन ने अपने अंदर डर के कारण इस प्रकार का जहर और ऐसी मौत तैयार कर ली थी। नॉर्मल सेफ्टी पिन चुभाने पर उसके दिमाग ने यह मान लिया कि उसे कोबरा सांप ने डसा है और उसकी मौत कोबरा सांप से डसे हुई व्यक्ति की तरह हुई है। अब आप कहेंगे कि इस कहानी से कोरोना का क्या कनेक्शन है? दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। सुबह से लेकर या कहीं 2400 घंटे हमारे सामने कोरोना की खबरें आ रही है। ऐसे में लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। एक तरह से ये डर जरूरी भी है, लेकिन कोरोना का डर कुछ इस तरह से लोगों के अंदर बैठा है कि नॉर्मल लोग जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है वो खुद को इससे पीड़ित समझ रहे हैं। कोरोना में जितने सिम्टम्स होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति भी नेगेटिव न्यूज दिन भर देखने पढ़ने और सुनने के बाद खुद में कोरोना जैसे लक्षण पैदा कर रहा है। दिन भर टीवी पर यही खबरें देखने और अखबारों में इसी एक बात की खबर पढ़ने के कारण एक स्वस्थ व्यक्ति भी खुद को कोरोना का मरीज समझ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम रेगुलर इसी एक विषय पर बात कर रहे हैं, कोरोना कोरोना और सिर्फ कोरोना। आज एक ही बात हमारे मन में बसी हुई है और वो है कोरोना। आज किसी व्यक्ति को डराने के लिए यही एक नाम काफी है। इस महामारी से डर होना जरूरी है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति जिसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अगर वो व्यक्ति बार बार इसके बारे में सोचता रहेगा तो उसे न चाहते हुए भी इस बीमारी के लक्षण खुद में ला सकता है और नॉर्मल सर्दी जुकाम होने पर भी वो खुद को और भी ज्यादा डरा सकता है। उसे लग सकता है कि कहीं वो कोरोना का मरीज तो नहीं। इससे बचने के लिए कृपया बार बार कोरोना जैसी ही खबरें ना देखते रहे, कुछ पॉजिटिव चीजों पर भी अपना ध्यान लगाए। आप जैसे नॉर्मल थे वैसे रहे, घर पर रहे और सरकार द्वारा जो भी जरूरी कदम उठाए गए हैं उनका पालन करें। घर पर रहना और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है और इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते। ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को अच्छी चीजों की तरफ लेकर जाए और डर को अपने दिमाग से निकाल दे। स्टे होम स्टे सेफ।